बालको प्रबंधन अपने गोद लिए गांव और कवर्धा और मैनपाट के बॉक्साइट उत्खनन क्षेत्रों के जरूरतमंदों की हर संभव मदद करने के लिए कटिबद्ध है। बालको के संयंत्र दो प्रमुख श्री गुंजन गुप्ता ने ये बातें कवर्धा जिला अस्पताल में आयोजित विशाल निशुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर के समापन अवसर पर कहीं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कबीरधाम जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और अंधत्व नियंत्रण समिति के साथ बालको प्रबंधन ने शिविर के आयोजन में उत्कृष्ट योगदान दिया। बालको के सहयोग से कवर्धा जिला अस्पताल में आयोजित 10 दिवसीय विशाल लेंस प्रत्यारोपण शिविर का उद्घाटन कवर्धा जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के संरक्षक ठाकुर विघ्नहरन सिंह ने किया। इस मौके पर कबीरधाम के कलेक्टर श्री सोनमणि बोड़ा सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कवर्धा जिला अस्पताल में आयोजित 10 दिवसीय विशाल लेंस प्रत्यारोपण शिविर में मरीजों को जिला अस्पताल तक लाने और उन्हें वापस पहुंचाने के लिए बस की निःशुल्क व्यवस्था बालको प्रबंधन ने की थी। मरीज के साथ आने वाले एक व्यक्ति के रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था भी बालको प्रबंधन की ओर से की गई थी। आयोजन से खारा, कोयलार झोड़ी, रेंगाखार कला, दलदली, तरेगांव, बैजलपुर, दुल्लापुर, बोड़ला, धवईपानी, चिल्फी, बैरक, मरमड़ा, खंडसरा, भलपहरी, गंडई खुर्द, कुसुमघटा, सारंगपुर, पोड़ी, समनापुर, झलमला, शीतलापानी, छपरी, जुनवानी, खैरपनाकला, महाराजपुर और हाथीडोबा सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 2200 मरीज पंजीकृत किए गए, जिनमें से 1234 नागरिकों का अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से सफल ऑपरेशन किया गया। शिविर में प्रदेश के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञों ने सेवाएं दी। कार्यक्रम के समापन अवसर के विशिष्ट अतिथि बालको संयंत्र दो प्रमुख श्री गुंजन गुप्ता ने निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर की सफलता पर प्रसन्नता जताई और यह भरोसा दिलाया कि प्रबंधन भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से नागरिकों की मदद करता रहेगा। मुझे आज ये कहते हुए बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है कि कवर्धा के इस अस्पताल प्रांगण में हम लोगों ने राजकीय प्रशासन के मार्गदर्शन में रेड क्रॉस सोसाइटी एवं जिला अंधत्व नियंत्रण समिति के सहयोग से तकरीबन 1300 लोगों के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन संपन्न करवाया। विधान समूह के और बालकों के सामूहिक उत्तरदायित्व की दिशा में ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। विधान समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी की यह सोच है कि समाज के जिस वर्ग के बीच हम लोग अपना व्यवसाय करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, उसके विकास के लिए हमें सदैव कटिबद्ध रहना चाहिए। उनके दर्शनों के अनुरूप बालको प्रबंधन कोरबा क्षेत्र में अपने गोद लिए हुए गांवों कवर्धा और मेनपाट के बॉक्साइट उत्खन क्षेत्रों में राजकीय प्रशासन के मार्गदर्शन में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम चला रहा है। उदाहरणतः 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त भोजन एवं उत्तम शिक्षा दी जा रही है। बालकों के कोरबा ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 100 आंगनवाड़ी केंद्रों को बालकों ने गोद लिया है, जिनमें तरह तरह के विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नाबार्ड के सहयोग से लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि में वाटरशेड डेवलपमेंट के अंतर्गत उस भूमि को विकसित किया जा रहा है, जिसके हेतु जो हमारे किसान भाई हैं उनको पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं जो उनके जीविकोपार्जन के लिए उन्हें स्वावलंबी बनाते हैं। बालको अपने आसपास के गोद लिए गांवों में सुरक्षित पेयजल भी उपलब्ध करा रहा है। हाल ही में बालको में एक बड़ा नेत्र शिविर आयोजित किया गया था जो कि अपने आप में सबसे बड़ा शिविर माना जा रहा है बालको क्षेत्र में और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में उभर के आया है। हमारे विकलांग भाई बहनों के लिए जयपुर फुट कैंप विगत महीने लगाया गया था, जहां लगभग 41 निशक्तजनों को कृत्रिम पैर प्रदान किया गया है। रायपुर में कैंसर अस्पताल स्थापित किया जा रहा है जो कि इस राज्य के लोगों को आगे चल के अत्यंत लाभदायक होगा। मैं बालको प्रबंधन की ओर से आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम शासन और प्रशासन के साथ मिलकर जन कल्याण के कार्य भविष्य में भी संचालित करते रहेंगे।
हमें यह भी भरोसा है कि बालको की तकनीकी और आर्थिक प्रगति के साथ इससे जुड़े इलाकों और लोगों का भी विकास होगा। धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने 10 दिवसीय निःशुल्क नेत्र शिविर में बालकों की सहभागिता को सराहा। इस मौके पर कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री सत्यानंद राठिया, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर ए आर दल्ला और जिला कलेक्टर श्री सोनमणि बोरा सहित अनेक प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कबीरधाम में फिर यहाँ के जिलाधीश, यहाँ के बालकों के प्रबंधन के सहयोग से यहाँ के यूथ क्लब, प्रेस क्लब, नागरिकों के और यहाँ के खासतौर से जिला चिकित्सालय के और नगर के चिकित्सकों के साथ साथ कवर्धा के जो विभिन्न हमारे संगठन हैं जिनका इस नेत्रदान के इस महापुण्य में जिनका योगदान रहा और जिनको आज उस कार्य के लिए समापन के अवसर में सम्मानित किया, उन सभी लोगों का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस नेत्रदान के महाअभियान में सहयोग दिया, उन सबको मैं धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा, क्योंकि यह पुण्य का कार्य है। डॉक्टर सिंह सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने शिविर से लाभान्वित मरीजों को बालकों की ओर से कंबल प्रदान किए। समापन कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने श्री गुप्ता और बालकों के कंपनी संवाद एवं सीएसआर प्रमुख श्री आर के खेर के अलावा नेत्र शिविर में सहयोग करने वाले अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कबीरधाम जिले के कलेक्टर श्री सोनमणि बोरा ने बालकों के सहयोग की सराहना की। बालकों से भी हमको सहयोग मिला है क्योंकि इनको जो लोग जो जिले के कोने कोने से आए हैं, इनको ठहरने का जो व्यवस्था है, खिलाने पिलाने का जो व्यवस्था है, इसमें बालकों का काफ़ी सहयोग रहा। ये शिविर पिछले साल से और अधिक व्यवस्थित रूप से इस वर्ष हुई है। मुझे खुशी है कि दोनों शिविर जो है काफ़ी व्यवस्थित और शांतिपूर्वक नित्य है और इसमें कोई शिकायत का मौका हम लोग ने किसी को नहीं दिया। कवर्धा जिला अंधत्व नियंत्रण समिति के सचिव डॉक्टर बी आर कोसरिया ने भी बालकों के योगदान की भरपूर सराहना की। इस कैंप के आयोजन हेतु मुख्य रूप से बालकों एवं रेड क्रॉस सोसाइटी कबीरधाम उत्तरदायित्व लिए हुए हैं। इनके सहयोगी के रूप में जिला अंधत्व नियंत्रण समिति, जिसका मैं स्वयं सचिव हूँ, कार्य प्रगति पर लेने के लिए हम अग्रसर हुए। इस साल भी हमने एक विशाल निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया है। ये 10 दिवसीय है और इस 10 दिवसीय में हमारा लक्ष्य है कम से कम 1500 लोगों को इस मोतियाबिंद से मुक्ति दिलाना, उनकी आंखों को रोशनी देना, ज्योति प्रदान करना। और इस साल ये भूमिका बालकों वाले जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला अंधत्व नियंत्रण समिति एवं समाज के नेतृत्व पे सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से किया। लेंस प्रत्यारोपण शिविर से लाभान्वित नागरिकों ने भी बालकों की पहल को सराहा। मैं पंडरिया ब्लॉक कुकदूर से इसको पूर्व मुझे मेरे आंख में जो बीमारी थी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था और इसके बाद मैं सुना कि कवर्धा में नेत्र शिविर खुला है, जिसमें सुनकर के मैं बालकों माध्यम से मुझे बस में यहाँ पर जहाँ तक के लाया गया। अब मेरा आँख जो ठीक हो रहा है, दिखाई दे रहा है, हर चीज़ देख दिखाई दे रहा है अब।